मशीन लगा लिया मैंने और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो गया। कैसा लग रहा है आपको, आप कुछ बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? फ्रेंड्स कैसे हो, जय माता दी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मेरी विशु। तो गाइस देखिए ना, आज मैंने ना इसके गाल पे ना काला टिक्का लगा दिया, क्योंकि सब इसे गोलू मोलू सब बोलते रहते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि इसके गाल में ना काला टिक्का लगा देना। तो गाइस ये जो मैंने फर्स्ट क्राई से जो ये ड्रेस मंगाई थी, तो ये हमारी एक्सचेंज हो चुकी है और हमने 9-12 साइज का मंगा लिया है और काफ़ी जल्दी डिलीवर हो गया था। विशु विशु जय माता दी बोल दो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हंसती है। और देखिए यहाँ विशु के पापा क्या कर रहे हैं। विशु के पापा तो यहाँ ना आज जो मौसम है मतलब बहुत खराब सा हो रखा है, और विशु के पापा एंजॉय कर रहे हैं और कभी विशु को उठा रहे गोदी में और कभी ले जा रहे हैं। अब देखो फिर से उठाने वाले हैं गोदी में और और उठाएंगे फिर से रखेंगे फिर उठाएंगे, तो कभी बाहर ले जा रहे हैं बालकनी में। तो आज इनके बापेटी का ऐसे ही चल रहा है। तो गाइस तो देखिए, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो मेरी फर्स्ट क्राई से जो मैंने ऑर्डर किया था, एक वीडियो है तो उसमें मैंने जो है आपको भी दिखाया था कि मैंने जो लव लैब का ये कैरी बैग लिया है बेबी के लिए, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। तो देखिए गाइस ये है लव लैब लाइफ लिटिल स्टोरीज लव लैब का कैरी बैग। और इसमें है सबसे बड़ी बात ये है कि आप ना इसको चार तरीके से पकड़ सकते हो अपने बेबी को। तो देखिए इसमें लिखा है हॉरिजॉन्टल फीडिंग जो पोजीशन होती है उस वाले में, इसका है फ्रंट पोजीशन, जैसे जैसे बच्चा होगा तो उसके फ्रंट पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं। और इसका जो है जो फ्रंट के बैक साइड का पोजीशन है उस साइड से भी आप पकड़ सकते हो, और पिगी पैग स्टाइल से भी पकड़ सकते हो, मतलब पीछे की तरफ भी आप इसको पिगी के जैसे आप इसको पकड़ सकते हो छोटे बाबू को। तो गाइस इसका जो प्राइस है मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मार्केट में मतलब बहुत मतलब कम प्राइस में भी हमें मिल रहा था ये कैरी बैग, मगर उसकी मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए हमने लव लैब का मंगाया है ये प्रोडक्ट। तो चलिए मैं गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, ठीक है? तो एक बार देखिए हमारी विशु 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 क्या एंजॉय ले रहे हो आप बेटा, क्या एंजॉय ले रहे हो, है ना? काश हम भी छोटे बच्चे होते। तो चलिए गाइस इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ और इसका प्राइस भी बताती हूँ, और जो जहाँ से मैंने लिया है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसको मंगा सकते हो। और थोड़ी देर बाद हाँ मतलब ऋषि के पापा इसको मतलब ऐसे कैरी करके करेंगे और बेबी को पकड़ेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैरी करके आप इसको यूज कर सकते हो कैरी बैग को। तो जय माता दी। इसमें चार कलर थे, रेड ब्लू और ब्लैक, हमने जो है ब्लू कलर का नेवी ब्लू कलर का मंगाया है। तो ब्लैक ना बाद में रंग निकल के वो ब्लू है। अच्छा तो ये इसकी बेल्ट है, कितना लाइट वेट है ये, बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा कि बिल्कुल मतलब कि मतलब कोई चीज है, मतलब ऐसा लग रहा बहुत लाइट हुई के जैसा लग रहा है। फॉर्म होगी ना, कुशनिंग होगी ना, देखो कुशनिंग है और इसका मतलब ये चीज बहुत अच्छा है। तो देखिएगा ये रहा, आई थिंक यहाँ पे कुछ है भी जो रख सकते हैं, देखना आगे फ्रंट में क्या है, क्या है। अच्छा जैसे बेबी का जैसे कुछ हैंगी रख लिया या कुछ रख लिया, तो ये चीज पॉकेट भी इन्होंने बना रखी है। और इसमें देखिए फ्रंट पे लव लैब लिखा हुआ है, बाकी और कहीं पर नहीं है, बस फ्रंट में ही लव लैब करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो बॉक्सिंग तो मतलब काफ़ी अच्छी है, गिफ्ट पर्पस के लिए भी मतलब काफ़ी अच्छा है, अगर आपको किसी पर ना किसी का बेबी है कुछ मतलब उसका बर्थडे है तो आप उसको उसमें भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इसको बेसिकली 2 साल तक यूज़ करना है, 15 kg का, है ना? 15 kg का बेबी होगा तो उस उतना वेट ये ले सकता है, ठीक है? तो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो बेल्ट के लिए ना यहाँ पर ये हुक सा बना हुआ है, ऐसे करके पट्टी सी बनी हुई है। तो इसमें ना जैसे अपोजी जैसे हम पहले बार जब हम डाल रहे थे ना तो हम ऐसे ब्लू में ही ब्लू मैच कर रहे थे क्योंकि सीधे के लिए, बट क्या है कि जो हमारा ये फोल्ड होएगा यूं करके, जब फोल्ड होएगा ना तो हमारी पट्टी यूं करके आएगी फिर इससे सीधी, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो अगर आप ऐसे खरीदेंगे तो आपको भी इस तरीके से करना है, देखिएगा ये रहा ऐसे, तो यूं करके ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं विशु के पापा के मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको प्रॉपर अपने बॉडी में किस तरह से पहना जाता है और बेबी को कैसे कैरी किया जाता है। तो ये मैंने सेटिंग कर ली है, पापा को पहनाती हूँ, तो इसको इस तरीके से पहनना है, ये निकाल देते हैं पहले इसका, ये जब ऐसे में पोजीशन तो यहाँ पे भी वेलक्रो लगी हुई है, तो ये आपको जब हेड पोजीशन में पीछे रखना होगा तब यूज होगा। तो इसको ऐसे करके कर लिया, और यहाँ पर जो ये है इसको अंदर के लिए इस तरीके से फोल्ड कर
ये जो यहाँ पर है इसको ऐसे करके फोल्ड करना है और पीछे में बांध दीजिए इसको। तो देखिए गाइस ऐसे बेल्ट है, तो किसी की हेल्प से ये बेल्ट बनवानी है, खुद तो खुद भी बन सकती है वैसे, मगर किसी से बनवाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। और इस तरीके इसमें एडजस्टेबल वाला भी है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने बेबी के हिसाब से। देखिए गाइस ये लगा लिया मैंने और यहाँ पर ऐसे और ये देखिए ऐसे करके फोल्ड हो गया और इसकी जो यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगी, ये भी एडजस्ट वाले हैं, तो आप अपने बेबी के साइज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आओ मेरी मोदू। तो देखिए गाइस अब मैं जो है छोटे बेबी को इसमें डाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको फोल्ड करना है, आगे के लिए फ्रंट के लिए बैक के लिए करना है। चलो तो गाइस इस तरीके से हमने बेबी को इसमें डाल देना है और प्रॉपर तरीके से देख लें कि जो हुक है वो प्रॉपर लगे या नहीं लगे, थोड़ा टाइट और करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए मैं इसको आराम से आप इसको लेके ऐसे लेके आप आराम से घूम सकते हो। तो इसमें फोर पोजीशन में, तो मैंने आपको एक पोजीशन करके दिखा दिया, फिर उसके बाद आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप इजी से आप अपना लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस चलो एक राउंड दिखाइए। तो मतलब काफी मतलब सिंपल सा है, अच्छा है, मतलब काफी इसमें मतलब वो नहीं है, बट थोड़ा फर्स्ट टाइम थोड़ा लगेगा अनबॉक्सिंग मतलब जब करोगे आप। तो ये देखिए विशु, चलो विशु से अब इसका इंटरव्यू लेते हैं, विशु को कैसा लग रहा है। सबसे ज्यादा ना विशु के पापा खुश हो गए हैं क्योंकि इनको इसकी बहुत नीड थी। तो विशु कैसा लग रहा है आपको, आप कुछ बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? जय माता दी, जय माता दी बोलो। तो गाइस इसमें पॉकेट भी है, तो यहाँ पर भी आप कुछ डाल सकते हो। तो काफी अच्छा है, लाइट वेट है, कुशन वाला है, बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत जेन्युइन है, 1590 का हमें पड़ा है, हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। आप इसको लव लैब से भी कर सकते हो, है ना, लव लैब का भी इसकी साइट है और फर्स्ट क्राई से भी, मतलब काफी ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट में भी है, अमेजोन में भी है, सारे उसमें जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है तो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हाँ ये है जहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस हमारा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।